everyone, welcome to the first stationery video of 2020. And this year, मैं आपको अभी से promise कर देती हूँ कि इतने stationery videos आएंगे ना कि आपका मन भरा हुआ रहेगा. वरना almost हर video जो stationery का नहीं होता ना उसमें आता है stationery video कहाँ है? We need stationery. Where is stationery? So I'm going to listen to this request 110% this year. Also, is it cold in Mumbai right now? No. Is this video the only place where I can actually wear a sweater? Yes. इसलिए I am feeling so good today कि एकदम wintery vibes आ रहा है मेरे को in general and I got these new earrings from H&M. They look so cute with this whole outfit. Guess करो मेरे को कितने में मिले? मैंने ना 1, 2, 3, 4 pairs of hoops, ऐसे silver hoops. इनका MRP था 599 and I got them for 99. बहुत सही सेल था एंड दिस टाइम मैंने इतना शॉपिंग नहीं एक्चुअली काफ़ी शॉपिंग किया बट व्हेन आई गो टू द मॉल मैं आजकल ऐसी पीसेस उठाती हूँ जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में इवन इफ आई लाइक समथिंग एंड उस पर सिर्फ ऐसे 200-300 रुपए का मैंने मैं नहीं लेती तो दैट्स व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन अपार्ट फ्रॉम स्टेशनरी कमिंग बैक टुडेज वीडियो इज अ नौटंकीशाला स्टेशनरी हॉल दे आर अ ब्रांड बेस्ड इन इंडिया एंड दे आर अ सोनली वुमन रन कंपनी तो आई एम सो हैप्पी टू do a haul from them. So let's start. The first thing that I have from them is this daily planner. And मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ऊपर ये बटर पेपर जैसा थिक पेपर है वरना जब भी कोई सामान शिप होके आता है ना तभी हमेशा उसका फर्स्ट पेज डैमेज हो जाता है सो बिग थम्स अप फॉर दैट एंड अंदर जब देखे तो बहुत ही देसी वाइब है विच इज द वाइब ऑफ आवर चैनल ऑल्सो एक्चुअली काफी अर्जेंट के लिए एक सेक्शन है देन टू डू लिस्ट के लिए काफी बड़ा सेक्शन है विच आई अप्रिशिएट प्लानर्स में काफी बार क्या हो जाता है ना कि डे प्लान करने के लिए जगह ही नहीं होती एंड आई वेट सो मेनी ऑफ यू हैव टोल्ड मी दिस कि ये दिक्कत होती है एंड दैट इज वाई दिस इज नाइस फिर डेट है किस किस को कॉल करना है हाइड्रेट के लिए ग्लासेस दिए हैं सो यू कैन जस्ट लाइक क्रॉस इट ऑफ विच इज़ नाइस हाइड्रेट जो काफ़ी बार होता है ना उसमें लोग सिर्फ 6 ग्लासेस देते हैं या 4 ग्लासेस देते हैं एंड आई एम थिंकिंग कि एक दिन में 6 ग्लासेस इज नॉट इनफ ब्रो देन खर्चा पानी के लिए आई थिंक जगह शायद थोड़ी और हो सकती थी बट एटलीस्ट एज अ सेक्शन बिकॉज आई हैव जस्ट रियलाइज जब से आई हैव स्टार्टेड अर्निंग मैं ना पागलों के जैसे पैसे खर्च कर देती हूँ मतलब बस कुछ लेना है अपना डेबिट कार्ड दे दो एंड बिकॉज फिजिकल पैसा नहीं जा रहा ना हाथ से मुझे नहीं रियलाइज होता कि कितने पैसे स्पेंड हो जाते हैं तो आई वांट टू स्टार्ट ट्रैकिंग माय एक्सपेंसेस एवरी सिंगल मंथ कि कितने पे मैंने अकाउंट शुरू हुआ था फर्स्ट तारीख ऑफ द मंथ कितने पे अकाउंट ख़त्म हो रहा है एंड कहाँ कहाँ खर्चे हुए हैं बिकॉज ऐसा लगता है कि अरे सिर्फ 800 रुपये तो है सिर्फ 900 रुपये तो है बट वो छोटे छोटे अमाउंट करके कितना बड़ा खर्चा हो जाता है हर महीने कमिंग बैक टू द प्लानर खर्चा पानी अप्रिशिएट दैट सेक्शन एंड बस नोट्स के लिए एक रैंडम सेक्शन है नीचे अच्छा वो रैंडम वाला नीचे दिया है बिकॉज इट्स अ रैंडम है ना इट्स नॉट अ प्रायोरिटी सो आई रियली लाइक दिस होल थिंग इट इज़ अ ग्लॉसी पेपर तो इस पर जेल पेन यूज बिल्कुल मत करना समझ हो जाएगा या तो इस पर परमानेंट मार्कर यूज कर सकते हो पतला वाला और यू कैन यूज अ बॉल पेन बट आई स्टिल रिकमेंड अ मार्कर है ग्लॉसी पेपर पे वही बेस्ट लगता है सो दिस इज द फर्स्ट आइटम ओके देन आई हैव दीज ब्यूटिफुल पेंसिल्स फ्रॉम देम जब भी ये आए थे ना तभी आई थॉट कि आर दीज पेन्स बिकॉज दे लुक लाइक पेन्स जैसे नीचे ओपन एरिया है ना तो मैंने बहुत खींचने का ट्राई किया बट देन आई रियलाइज दीज आर पेंसिल्स एंड इतने लग्जूरियस फील करते ना मैंने ऐसे पेंसिल्स कहीं नहीं देखे विच इज़ वाई आई लाइक्ड इट कि एक यूनिक आइटम है इनका एंड आगे से आप शार्पन कर सकते हो एंड ऐसे यूज होते जाएगा प्राइस पॉइंट अच्छा रखा है पेंसिल्स के ऊपर ये रिसाइकल पेपर के हैं अंदर एंड अगर आप किसी को गिफ्ट देने का सोच रहे हो दिस कैन डेफिनेटली बी ऑन द लिस्ट बिकॉज दे फील वेरी लग्जूरियस एकदम लग्जरी वाला फील आता है इनको छू के क्योंकि ऐसे सॉफ्ट फिनिशिंग है नेक्स्ट मेरे पास है बहुत सारे नोटबुक्स तो लेट्स स्टार्ट विद द सबसे कलरफुल वाला येलो बिकॉज येलो इज माई वाइब प्रो इट जस्ट मेक्स मी फील गुड एंड पॉजिटिव स्टार्टिंग विद द नोटबुक द कवर का क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस कहीं से भी ऐसा चीप वाला फीलिंग नहीं आ रहा है एंड ओपनिंग इनसाइड यू हैव ब्लैंक पेजेस काफ़ी लोगों को ब्लैंक पेजेस वाले नोटबुक्स पसंद आते हैं क्योंकि आपके हिसाब से ऐसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो एंड फॉर मी पर्सनली जब मेरा माइंड एकदम क्लटर्ड होता है एंड आई नीड टू गेट माई थॉट्स डाउन ब्लैंक पेजेस हेल्प मी बेटर विच इज़ वाई आई लव दिस नोटबुक ओके सेकेंड वन इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ द जोडियाक साइन वाला नोटबुक एंड आई डोंट नो हाउ शी न्यू बट अंजलि वर्मा द फाउंडर ऑफ नौटंकीशाला हैज सेंट मी द परफेक्ट वन कैंसर बिकॉज मेरा सनसाइन कैंसर है इतनी बार मुझे स्कूल में चिढ़ाया गया ना इसकी वजह से ओ तू तो मर जाएगी क्योंकि तुझे कैंसर है इट्स वेरी मीन गाइस यू शुड नेवर से समथिंग लाइक दैट टू एनीवन बट मुझे बहुत लोगों ने बोला था जब मैं स्कूल में थी एनीवेज This is also blank. It's very well made. इसका soft वाला finishing है like
slightly suede ke category mein just entering wala na waisa soft finishing hai. The next collection is the spiral banding wala collection and isme bhi aur bahut pyare pyare prints hai. But I like this one which is so quirky yaar. Quirky stationery finding in this budget is actually very very difficult. Iska cover kehta hai learn rules carefully so you can break them properly. And this one has lines from inside and I like the logo a lot because Nautanki ke baad jo shala hai wo Hindi ya I guess Marathi nahi Hindi. Hindi mein likha hai. Marathi mein shala hota hai so it's proper Hindi shala. Pro. And the last notebook I have from them is this one jo yellow wale se bahut similar hai. Same I guess blank pages from inside. Anjali in her card did say ki ye sare jo designs hai na that inspired from her personal travel trips. That's why I like supporting brands like them because bahut sara thought jata hai isme. Kahin apna life ka ek tukda dal ke ek product mein dalta hai. The next thing I have from the collection are these bookmarks. The good part about them is ki ye double sided printed hai. Kafi baar bookmarks na patle patle se aata hai, sirf ek side pe printed aata hai. This one says things I was supposed to do yesterday that I will do tomorrow. I think these bookmarks are targeted for your planners and everything kyunki kafi baar planner mein dhoondna padta hai ki hamara current page kahan hai. So that's pretty cool. I've never seen a bookmark jo planners ke liye ho pehle. This one says whatever. ये वाला है वो जिंदगी ही क्या हो जो झंड ना हो देसी टच. एंड द लास्ट वन सेज एवरीथिंग गेट्स बेटर विद कॉफी. आई पर्सनली डोंट रिलेट टू दिस दैट मच क्योंकि मुझे कॉफी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आई डोंट लव कॉफी. सेम विद चाय. अगर मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ अवेलेबल नहीं है तो मैं चाय पी लूंगी. सो आई डोंट रिलेट टू दिस दैट मच बट इट्स प्रीटी कूल. एंड द लास्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस very aesthetic greeting card and this says you are pretty. I love cards jiska koi agenda nahi hota ki happy birthday or congratulations. I can't emphasize mujhe kitna zyada bura lag raha hai ki maine itne time se kisi ko koi card bana ke nahi diya to an extent ki abhi kumar ka birthday tha and I still did not even give him a card. Like of course we did a lot of things like so many parties and all the gifts and everything but आई फील लाइक मेरा एक छोटा सा हिस्सा खो गया है जो अभी सेंटिमेंटल गिफ्ट्स नहीं रहता. मैं पहले लिटरली ब्लैंक पेपर से कार्ड्स बनाती थी बैठ के उसमें डूडल करती थी पेंट करती थी पॉपअप कार्ड्स बनाती थी. सो इफ़ यू वॉन्ट अ डी आई वाई वीडियो ऑफ हाउ टू मेक पॉपअप ग्रीटिंग कार्ड्स प्लीज लेट मी नो बिकॉज आई हैव सो मेनी आइडियाज. So many ideas and if you are someone who does not like to DIY you can try the cards. They're very good quality, काफ़ी sturdy है and I'm pretty sure it's going to be less expensive than the typical gifting stores जो सादे से कार्ड के भी 200 रुपए चार्ज कर देते हैं. So this was my NautankiShaala haul. I love how much of desi tadka they've put in the collection and I cannot wait to do another one with them. If you like anything from here then you can use this coupon code to get yourself a nice discount and all the links will be in the description box below. And yes, there is a chhotu sa giveaway. You'll win some super super cute stationery. Link is in the description box below for that as well. Let me know which brand do you want me to try next for a stationery haul. It can be an Instagram brand or just a general brand and I will see you in the next video. Until then, goodbye. I can try.